हेलो, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम बात करेंगे कि कभी ना कभी किसी ने ऑफर साइन किया होगा, तो कम से कम अगर बात करूं ऑफर जो साइन कर रहे हैं, कम से कम 90% लोग पढ़ते नहीं है पूरा कि क्या लिखा हुआ है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या क्लॉज है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं, सैलरी चेक करते हैं और लोकेशन चेक करते हैं, कभी कभी लोकेशन ही भूल जाते हैं कि लोकेशन क्या है क्या नहीं, ऐसे सैलरी चेक करके और उसको हम साइन कर देते हैं। बट ये इंसिडेंट मैं एक रामिया है, उनका मैं टाइटल सरनेम नहीं बता रहा हूँ, वो बेंगलुरु की है और कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में उनका जॉब हुआ है और वो बिना पढ़े ऑफर को साइन की और साइन करने के बाद पता चला कि उनको 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जो उनको एनी हाउ कैसे भी कंप्लीट करना होगा। सो गाइस, हमेशा जैसे मेरे साथ हुआ है कि मैंने एसेंचर का ऑफर एक्सेप्ट किया था तो बिना पढ़े मैंने साइन कर दिया था। जब बाद में मुझे पता चला कि यार लोकेशन इसका अलग है और उसके बाद से मैं कितना भी कोशिश करके रह गया, मेरा लोकेशन चेंज नहीं हो पाया। सो मैं बिलीव करता हूँ, जैसे कि मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने भी करीब 8-9 ऑफर साइन किए हैं बट बिना पढ़े हुए, मतलब जो भी है सैलरी देखा और साइन कर दिया। तो वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग भी हैं बिना पढ़े हुए साइन कर देते हैं। देखो, खासकर बड़े कंपनी में ऐसा नहीं होता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आपको बताते हैं और बताने के बाद वो साइन करवाते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको साइन करना है या नहीं करना। बट बहुत सारे ऐसे छोटी कंपनियां हैं कि वो क्या करती हैं कि बिना कुछ आपको बताए अंदर कुछ क्लॉज लिखा रहता है कि अगर आप इसको ज्वाइन करती हैं या 6 मंथ के पहले या 1 ईयर्स के पहले इसको छोड़ती हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो राम्या है, वो बेंगलुरु से हैं, बेंगलुरु का एक कंपनी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनके साथ ऐसा हुआ। बट उनको कहीं दूसरे से ऑफर आया बहुत अच्छा, ज्वाइन करने से मना की तो उनको क्लॉज समझाने लगा कि हम आपको ये केस कर देंगे और आपको ये पैसा देना होगा, आपको इतना सारा। गाइस देखो, करीब उनको 2.5 लाख देना होगा 6 मंथ का, जो भाई किसी भी स्टूडेंट के लिए ज्यादा है और उसने एक दिन भी काम नहीं किया, अभी ज्वाइनिंग भी नहीं किया, बट उन्होंने साइन कर लिया था ऑफर लेटर पे और वो ज्वाइन करने से मना कर रही थी। तो उनको धमकाया जा रहा कि हम आपको लीगल एक्शन लेंगे, ये लेंगे। तो ये मेरा एक सुझाव है कि मैं भी गलती करता हूँ ये सब चीज, बट बड़े कंपनियां कभी ऐसा नहीं करती है कि आपको वो किसी तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगी कि आपको छोड़ना नहीं है। बट हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या मैंने किसी कंपनी का ऑफर लेटर साइन कर लिया है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया है और उसको ज्वाइन करना नहीं चाहता हूँ। तो इस केस में कुछ नहीं होता, आप आराम से किसी भी दूसरे कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। बट सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो इसलिए गाइस कि हमेशा किसी ना किसी ऑफर को आप जब साइन कर रहे हो तो बिफोर उसको पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद साइन करना। तो ये राम्या का स्टोरी था गाइस। अगर भी आपको कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे पिंग करना और डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू, बाय बाय।